दरभंगा में 5 दिनों से लापता युवक का अब तक नहीं मिला कोई सुराग। आक्रोशित परिजनों ने सड़क पर जमकर काटा था बवाल। जी हां, बिहार में आपराधिक घटनाएं चरम पर है। अपराधी बेखौफ होकर आपराधिक घटनाओं को अंजाम देता है। पुलिस कहने को तो इन अपराधियों पर नकेल कसने के लिए तमाम कोशिश कर रही है, लेकिन बावजूद इसके अपराधी आए दिन एक नई आपराधिक घटनाओं को अंजाम देकर पुलिस को चुनौती दे रहा है। ताज़ा मामला दरभंगा का है, जहां अपराधी के द्वारा एक युवक का अपहरण कर लिया गया। अपहरण के 7 दिनों के बाद भी पुलिस युवक को ढूंढ नहीं पाई है। वहीं इस घटना से आक्रोशित परिजनों ने सड़क जाम कर जमकर बवाल काटा था। वहीं विकास पांडे और ब्लूटूथ पर कई आरोप भी लगाया गया था, जिसके बाद बीते दिन हमने विकास पांडे से इस मामले को लेकर बातचीत भी की थी, जिसको हमने सुनाया था। वहीं ब्लूटूथ से भी इस कांड में संलिप्तता की बात कही तो ब्लूटूथ ने जो जवाब दिया वह सुन आप हैरान रह जाएंगे। आइए सुनाते हैं ब्लूटूथ ने इस कांड पे क्या कहा है, इस किडनैपिंग के मामले पर क्या कहा है, आइए सुनते हैं। मेरा नाम संगीत कुमार हुआ। क्या नाम हुआ? संगीत कुमार। घर कहाँ है आपका? बेलवागंज लाइट हाउस। आप पर एक बहुत गंभीर आरोप लगा है कि विक्की कुमार का आपने अपहरण कर लिया है, क्या कहेंगे आप? इसमें हम बेगुनाह हैं, क्योंकि हम 9 तारीख को हम वैष्णो देवी गए हैं। इसका मेरे पास पूरा पुख्ता सबूत है, काहे कि हम यहाँ से बस से फिर उसके बाद ट्रेन एरोप्लेन से माने हवाई टिकट से गए हैं। उसका हर मिनट हर सेकंड का मेरे पास कैसे पेमेंट किए हैं और कहाँ फोटो खिंचाए हैं और कौन टिकट होता है, वहाँ से लेकर जब आए हैं तो 14 तारीख को हम 8 बजे घर में शिफ्ट हुए हैं, उस दिन से अब तक का प्रूफ है। रही बात एक बात और हम पर उछल रही है, सुनने में आया है कि मेरे आँख में जो दागी जो है साइड से, पहले हम चश्मा नहीं लगाते थे, लेकिन हम डॉक्टर से हम पता बता सकते हैं, डॉक्टर हम दिखाए फरीदिया हॉस्पिटल में, वो डॉक्टर बोला कि आपका की रोशनी शुरू से ही कमजोर है, चश्मा लगाना पड़ेगा, तो चश्मा लगाया और 8 तारीख को 8 बजे सारा मोहल्ला का आदमी देखा। 8 बजे सुबह या शाम? शाम को 8 बजे रात को पूरा मोहल्ला समाज और उस लड़का सब भी देखा था हमको, और एक लड़का को पकड़ के ले गई थी प्रशासन, और प्रशासन से हम डिस्कस कर लिए थे, जो एक्साइज विभाग के हैं जिसका नाम मोहन जी नाम है, उससे हम डिस्कस किए थे, जो हमको मारे थे ना आँख में, जो हमको चोट लगा था, और वहाँ जाके हमारी जांच किया गया तो फिर छोड़ दिया गया, बेगुनाह साबित हुए। और फिर रात में हम 10 बजे 11 बजे के आसपास हम ऑनलाइन दवा खरीदे हैं DMCH के पास, उसका रिसीविंग प्रूफ मेरे पास है। और रहा सवाल एक बात और उठ रहा है कि 14 तारीख को हम 8 बजे तो आए हैं रात में, 15 तारीख को कुछ लड़का सब वहाँ का लड़का हमको सैद नगर में देखा, जो उसको सवाल उठने लगा कि वहाँ सैद नगर में क्या कर रहा था। तो बात ये था कि 15 तारीख को कलस्थापन था, तो 15 तारीख को कलस्थापन था, हम 14 तारीख को रात में आए, तो रात में थोड़ी मार्केटिंग करेंगे, आप तो सवेर में मार्केटिंग करेंगे। तो उस दिन हम निकले थे तस्वीर फल फूल सब्जी हाँ कुछ सब्जी भी लिए थे, और फिर वहाँ हम गोईठा लाने गए, हमने हम सब में हिंदू धर्म में गोईठा लेके वहाँ पर हवन होता है कुछ, तो गोईठा का डिमांड हुआ था, तो कोई लोग बोला था कि वहाँ से सैद नगर उधर एक ही तरफ मिलता है, तो उधर गए ना तो पूछताछ करते करते एक जगह चाय भी पिए, जिसका चश्मा गवाह है वो दुकानदार, उससे गवाह भी हम दिलवा देंगे, चाय भी पिए थे, उससे पूछबो किए थे, तो वो हमको बताया वहाँ आगे चल के आपको गोईठा मिलेगा, और फिर हम वहाँ गोईठा भी खरीदे हैं, उसका भी गवाही है। तो गोईठा सब लिए हैं तो ऑनलाइन नहीं लिए, चाय नहीं लिए, लेकिन हर बार सामान सब जो खरीदे हैं रास्ता में, तस्वीर हो या फल सब्जी जो भी है, फल उल मिठाई सब ऑनलाइन खरीदे, उसका रिसीविंग उस दिन का उस समय का मेरे पास प्रूफ है। तो कुछ लड़का सब हमसे देख लिया तो हमसे पूछा, डिस्कस तो नहीं किया, खाली पूछा कि आँख में चोट क्या है, तो हम ये सब बात बताएं कैसे से बात हुआ था उसको हम सब, और बताया कि यहाँ क्यों क्या करने आए थे, तो हम बोले यहाँ चाय पिए हैं, और कुछ आदमी जान पहचान का मिल गया था कस्टमर से, तो बोला कहाँ थे, तो वही बोले कि यहाँ थे और सब मार्केटिंग करने आए थे, बस इतना बात हुआ था। तो हम उस दिन से हम क्या कहता है वैष्णो देवी कटरा में थे, उसके बाद हम फिर रिटर्न हुए, रेल से रिटर्न हुए हैं, तो फिर हम क्या कहता है लुधियाना पहुँचे हैं, लुधियाना पहुँचे तो लुधियाना में एक बड़ा मंदिर है, क्या कहता है कृष्णा मंदिर है, वहाँ घूमे हैं, फिर लुधियाना में एगो सिख ईसाई का एगो गोल्डन टेम्पल है वहाँ घूमे हैं, और वहाँ का प्रूफ है, हम 100 रुपया वहाँ डोनेशन किए लंगर में वो भी है, और 51 रुपया का जो हम
प्रसाद भी खरीदे हैं तो उसका तो रिसीविंग नहीं है, लेकिन इसका रिसीविंग है मेरे पास जो अथी जो खरीदे हैं। और वहाँ जो गए हैं वहाँ कैमरा उमरा सब लेस कैमरा है, वहाँ प्रूफ है। और तीन आदमी से गए थे, घर से जो हम निकले थे हमारे घर से तीन आदमी निकला था, माने एक हम, एक हमारी पत्नी और मोहल्ला का एक सदस्य जिसका नाम रोहित कुमार ठाकुर है, जिसके पिताजी का नाम ध्रुव ठाकुर है, वो चश्मदीद घबा उसका परिवार। और ये ऑफर हम दो चार आदमी को दिए थे, इसलिए हम दिए थे कि हम पहली बार जा रहे हैं हवाई जहाज से और पहली बार वैष्णो धाम, तो हम दोनों थोड़ा कितनों है तो कमसील है, तो कुछ बुजुर्ग को ले जाना चाहते हैं। तो उस गली में हमारे जीवच गामी का बेटा रोकी गामी है, रोकी गामी है, तो उसको हम रोकी गामी का ओरिजिनल नाम राकेश गामी है, उसको हम ऑफर दिए थे कि हम अपना खर्चा से आपको ले चलेंगे, आप चलेंगे हमारे साथ। तो वो बोला कि बाबा धाम जाना रहता तो चलते, वहाँ नहीं जाते, तो वो नहीं गए। फिर उसके बाद हम राजा बाबू को बोले, आगे में जो समोसा वाला है, तो राजा बाबू को बोले तो उसकी घरवाली बोली कि ये तुम्हारे साथ नहीं जाएगा और बिजी इंसान, तो फिर छोड़ दिए। फिर कमलेश पूर्वे जो रवि मोबाइल शॉप है उसका बड़का भाई कमलेश पूर्वे से बात किए, तो कमलेश पूर्वे एक बार हाँ बोला, फिर बाद बोला कि हम बिजी हैं नहीं जा पाए। तो फिर हम रोहित कुमार ठाकुर को बोले तो वो जाने के लिए भली बात है, वो हमारे साथ पल पल एक सेकेंड तक हमारे साथ रहा, उसका फोटो हमारे साथ है, हमारे बीवी का भी, और वो चश्मित गबा वो भी है, वो भी बता देगा, कुछ मोहल्ला का कुछ आदमी भी बता देगा कि वो वैष्णो देवी गया था उतना दिन से, उतना दिन तक गायब रहा और मोहल्ला के सदस्य के साथ। उसके माँ बाप इल्जाम आ रहा है विकास पांडे पर, जो विकास पांडे का संबंध हमसे दूर दूर तक नहीं है, दूर दूर तक नहीं है। वो एक बात और आ रहा है कि कहा जा रहा है, सुनने में आया है कि ब्लूटूथ पैसा दिया विकास पांडे को 5 लाख रुपया ये काम कर आप दिए थे? नहीं दिए थे, लेकिन झूठ पूछ का इल्जाम हो रहा है, झूठा इल्जाम है, इसका कोई सबूत ना उसके पास है और मेरे पास बेगुनाही का। आखिरी सवाल,